हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विजीन माय स्टाइल। आज मैं आपको चिकन चेटिनाड की रेसिपी बताने जा रही हूँ। यहाँ पे हमने चिकन लिया है, इसमें हम नींबू का जूस, नमक, पेपर पाउडर और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। यहाँ पे मैंने पैन में धनिया लिया है, सौंफ, जीरा, चक्रफूल और ये आखे गरम मसाले लेकर इसे ड्राई रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट होते ही हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालकर इसे रोस्ट करेंगे। अब हम इसे मिक्सर में शिफ्ट करके इसमें करी लीव्स, अदरक लहसुन, एक प्याज और डेसिकेटेड कोकोनट यूज किया है, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड करके इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर में तेल लिया है, इसमें एक कटा प्याज डालकर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे भी फ्राई करके हम इसमें थोड़ी सूखी मिर्च, थोड़ा कड़ी पत्ता डालकर इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा फ्राई कीजिए। ये फ्राई होते ही हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा ढककर फ्राई करेंगे 5-10 मिनट तक। अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे, हमारा मसाला पेस्ट हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे भी एक 5 मिनट के लिए ढककर हम ऐसे ही पकाएंगे। ये हमारा चिकन अब पक रहा है। अब हम इसमें नमक और थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करके सीटी लगाकर पकाएंगे। ये हमारा चिकन चेटिनाड रेडी है। अब तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल लिया है, इसमें हम थोड़ा कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च ऐड करके इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। ये क्रिस्प हो गया है, अब हम इसे चिकन में डाल देंगे। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, ऊपर से थोड़ा धनिया ऐड करेंगे। यह हमारा चिकन चेटिनाड रेडी है। आप इसे चपाती या नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आपम के साथ बेस्ट जाता है। आपम की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।